हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पोयम अ रोड साइड स्टैंड। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि गरीब ग्रामीणों ने सड़क के किनारे घरों से बाहर कुछ नया झोपड़ी बना ली है। उस सड़क से तेजी से गाड़ियों गुजरते हैं। वे छोटी छोटी टेम्पोररी झोपड़ियाँ कोई भीख मांगने या दान मांगने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ध्यान के लिए प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है। वे जंगली जामुन और गोल्डन स्क्वेश बेचकर कुछ पैसे कमाने की उम्मीद करते हैं। पैसा शहरों को विकसित करने में मदद करता है। यहाँ पर गाड़ियाँ इन्हें बिना कोई ध्यान दिए गुजरते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई रुकता भी है तो उनमें से उन्हें देखता है तो वे संकेतों और प्रतीकों की पूरी तरह से अप्रकाशित और निष्पक्ष पाते हैं। एन वाला एस तरफ और एस वाला एन के तरफ। ट्रेवलर्स बिना कुछ खरीदे यहाँ से पास हो जाते हैं। पोएट इस सीन को देखकर नाराज या निराश नहीं हैं, लेकिन खाली हाथ होने के कारण निराश हैं। उन्होंने न केवल अपनी कमाई के लिए बल्कि शहरवासियों को ताज़ी और वास्तविक वस्तुओं की सुविधा के लिए उन सड़कों के किनारे खड़े किए हैं। वे अपने जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं और अपने आइडियल्स को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लीडर्स और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आराम से रहने का वादा किया जाता है। ऐसी एक न्यूज़ है कि उन गरीब किसानों को थिएटर और स्टोर के पास के गांवों में बसाया जाएगा, जहां उनकी देखभाल ठीक से की जाएगी और उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। पोएट की एडवोकेट है, वकालत है कि उन लालची अच्छे बुरे लोग निर्दोष किसानों को धोखा दे रहे हैं और उनके खेतों और ज़मीनों को धोखे से छीनने की योजना बना रहे हैं। पोएट अक्सर इन गरीब लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचते हैं और जो बेकार की उम्मीद को बनाए रखने में असमर्थ हैं, जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। उनकी हर उम्मीद पेंडिंग रहती है क्योंकि कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। सुबह से शाम तक गरीब किसान वेट करते रहता है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कुछ रियल कस्टमर के लिए भगवान को प्रार्थना करता है। वे ब्रेक की तेज़ आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए वहाँ नहीं रुकता है। यहाँ तक कि अगर कोई रोकता भी है तो वह उनके प्राइस के बारे में पूछने के लिए नहीं रुकता है, बल्कि गाड़ियों को पीछे करने के लिए और मोड़ने के लिए एम्प्टी और ब्रॉड स्पेस का उपयोग करने के लिए या रोड्स के सही होने या फ्यूल के अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता के बारे में पूछने के लिए रुकता है। किसानों का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि वे केवल सेल्फिशनेस के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे इरिटेटिंग आंसर देते हैं और कार मालिकों के कॉमन सेंस पर सवाल उठाते हैं। गरीब लोगों का जीवन बहुत दयनीय होता है क्योंकि वे पैसों की कमी में होते हैं। वो केवल पैसा ही है जो उनके जीवन का स्तर को उठा सकता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनके पास पैसा होता तो वे गरीब नहीं होते। यही कारण है कि गरीब लोगों की आत्मा उदास रहती है। पोएट ग्रामीण लोगों को यानी कि गरीब लोगों को एक ही झटके में इस दर्द से मुक्त कराना चाहते हैं, छुटकारा दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, ये था आपका पोयम अ रोड साइड स्टैंड का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।